हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। मैं हूँ गरिमा और आज हम करेंगे क्लास थर्ड यूनिट थर्ड पोएम लिटिल बाय लिटिल। ये पोएम है एक एकॉर्न के बारे में और एकॉर्न ट्री के बारे में। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉर्न सेड एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, little by little it sipped the dew, downward it sent out a thread like root, up in the air sprang a tiny shoot, day by day and year by year, little by little the leaves appear and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride। जो बलूत का फल होता है यानी कि एकॉर्न, वो कहता है लिटिल बाय लिटिल यानी कि बिल्कुल धीरे धीरे वो गीली मिट्टी में अंदर घुस जाता है। जो सीड होता है वो तो ग्रो करने के लिए उसको पानी की ज़रूरत होती है, तो उसको मिट्टी में पानी रिक्वायर्ड होता है। तो मौसी का मतलब यहाँ पर यही है, जो गीली मिट्टी होती है उसको मौसी बोलते हैं। वो कह रहा है कि धीरे धीरे गीली मिट्टी में ही वो ग्रो करता है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, जैसे आपने देखा होगा जो बच्चे भी होते हैं आपके आसपास और भी बच्चे होंगे, उनको आपने देखा होगा वो एकदम से तो बड़े नहीं हो जाते। इसी तरीके से जब आप कोई सीड लगाते हो आसपास तो वो एकदम से तो प्लांट या ट्री नहीं बन जाता। इसी तरीके से ये एकॉर्न यहाँ पर कह रहा है कि हर दिन वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, जो बीज होता है वो हिडन यानी कि छुपा हुआ होता है ज़मीन के नीचे, यानी वो किसी को दिखता तो है ही नहीं, तो ज़मीन के नीचे ही जब तक वो होता है तब तक भी वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव यानी कि प्लांट बनने के लिए तैयार हो रहा होता है। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। वो कह रहे हैं कि पानी जो हम देते हैं काफ़ी बार प्लांट्स में वो भी मिलता है, वरना काफ़ी बार आपने देखा होगा जंगलों में तो कोई पानी देने नहीं जाता, तो उस जंगल में उन रूट्स को पानी कहाँ से मिलता है? वो मिलता है ओस से। जो आपने देखा होगा काफ़ी बार ओस की बूंदें सुबह सुबह प्लांट्स पर डिपॉजिट हुई हुई होती हैं, उसको ड्यू बोलते हैं। वहीं से प्लांट जो है मॉर्निंग टाइम में पानी यूज़ करता है। इसी तरीके से ये एकॉर्न का सीड जो है ये कह रहा है कि वो उस ड्यू को यूज़ करता है पानी के लिए। फिर वो कह रहा है डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, जो सीड होता है उसमें और नीचे की तरफ जो धागे के स्ट्रक्चर में चीज़ें निकलती है उसको रूट बोलते हैं यानी कि जड़ें बोलते हैं। फिर लिखा हुआ है अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, अप इन द एयर यानी कि ज़मीन से ऊपर जहाँ पर हवा होती है वहाँ पर जो प्लांट का पार्ट निकलता है वहाँ पर ग्रीन कलर के पहले छोटे छोटे से पत्ते और हल्की हल्की सी ब्रांचेस निकलती हैं जिसको शूट बोलते हैं, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के नीचे है वो है रूट और प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के ऊपर है वो है शूट। फिर कह रहे हैं डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसी तरीके से वो जो प्लांट है वो बढ़ता जाता है, उसकी पत्तियां आती जाती हैं, उसकी हाइट बढ़ती जाती है। फिर लिखा हुआ है एंड द स्लेंडर ब्रांचेस अपीयर फार एंड वाइड, उसके बाद धीरे धीरे उसकी सॉफ्ट ब्रांचेस आसपास आती हैं, वही ब्रांचेस फिर मजबूत होके ब्राउन कलर की हो जाती हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, उसका तना बन जाता है, ट्रंक बन जाता है और फिर उसके बाद वो एक माइटी ओक बन जाता है यानी कि एक बहुत बड़ा शक्तिशाली सा ओक बन जाता है। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट्स प्राइड, जो जंगल होता है वो इसीलिए जंगल कहलाया जाता है क्योंकि वहाँ पर घने घने पेड़ पौधे होते हैं, तो ये जो माइटी ओक है ये भी उस जंगल की एक शान बन जाता है। तो यहाँ पर इस पोएम में यही बताया हुआ है कि जो प्लांट है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, ऊपर वाला पार्ट उसका शूट कहलाता है और ज़मीन के नीचे वाला रूट कहलाता है। तो सारे प्रोसेसेस जो होते हैं बहुत धीरे धीरे होते हैं, जिस तरीके से ये जो सीड है ये ओक ट्री बन जाता है फॉरेस्ट में। तो ये हमारी जो पोएम थी ये यहीं ख़त्म होती है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू।